बहुत सभी जगह पर जिस तरीके से मंडल रथ लेकर शरद जी निकले थे, उसी तरीके से आज शरद यादव जी को लोग जो है यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मेरा नाम अभिषेक है। समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शरद यादव जी की जो कलश अस्थि कलश यात्रा है उसे निकाला जा रहा है। किस तरीके से उनके बेटे हैं, बेटी हैं और कई सारे लोग हैं, आप देख सकते किस तरीके से निकाला जा रहा है। अलग अलग लोग हैं और विधायक मुकेश रोशन भी हैं। अच्छा, देख सकते किस तरीके से निकाला जा रहा है, बेटे भी हैं, बेटी भी है। मंडल मसीहा शरद यादव अमर रहे। आज समाजवादी के धरती पर भारत सरकार के पूर्व मंत्री मंडल मसीहा स्वर्गीय शरद यादव जी का अस्थि कलश यात्रा के दौरान पटना से वैशाली होते हुए मुजफ्फरपुर के रास्ते हम लोग पहुंच रहे हैं और अभी मधेपुरा तक जाना है। सभी लोग जो है से निकले, बहुत सभी जगह पर जिस तरीके से मंडल रथ लेकर शरद जी निकले थे, उसी तरीके से आज शरद यादव जी को लोग जो है यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बारिश कर रही है। से निकाला जा रहा है उनके बेटे से। यात्रा जारी है, मधेपुरा जा रहे हैं। साहब की इच्छा थी कि उनका अस्थि कलश मधेपुरा जाता जाए। बहुत भीड़ है जी, बहुत 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 लोगों में बहुत भीड़ है, बहुत पूरा ले जाए। बड़ी संख्या में आपको दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग हैं और देखिए किस तरीके से, देखिए किस तरीके से भीड़ है और बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसा है कि शरद जी बिहार के मिट्टी से, गिट्टी से, लोगों से, गरीबों से और गरीबों की लड़ाई से जुड़े रहे, इसी वजह से लोग जो है उम्र के आए हैं अपने नेता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और अब हम यही कह सकते हैं कि साहब ईमान की राजनीति हो, संघर्ष की राजनीति हो, गरीबों की राजनीति हो और जिस झंडा को शरद जी ने बुलंद किया था, पकड़ा था कस के, उसको अगर हम पकड़ कर आगे बढ़ें तो समाज को उनकी कमी जो हुई है उसकी पूर्ति होगी और वो वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए शरद जी हमारे सशरीर तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आज भी पड़ाव पर चिल्ला रह करके कह रही है। सामाजिक समरसता का सवाल, सांप्रदायिक सद्भाव का सवाल, गरीबों के हक हकूक का सवाल, और उस सवाल पर पड़ाव से मंजिल तक पहुंचाने का काम। और पटना से लेकर यहाँ कई जगहों तक भीड़ है और यही वो यात्रा निकाली जा रही है। कई सारे मंत्री हैं और उनकी बेटे बेटे दोनों हैं और निकाली जा रही है। तो मैं रियल आईसीसी के साथ।